लीडर कौन होगा? अरे हमारा इतना लीडर है, लीडर नहीं है, आपका पार्टी लीडरलेस हो गया है, इसके लिए आपका एक ही प्रेसिडेंट और एक ही प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमारा जो गठबंधन है इसमें ऑल आर लीडर, एवरीबॉडी इज द लीडर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, एवरीबॉडी इज द ऑर्गेनाइजर। आज इस जन सलाब से मुझे लगता है कि सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है चोरों से, तब जाके मुझे लगता है इस देश को हम बचा पाएंगे। ज्यादा नहीं कहेंगे लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त भारत, हमारा देश, हमारा मुल्क एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारे संविधान और लोकतंत्र के ऊपर हमला है। पिछले 4.5 सालों के दौरान हम लोगों ने देखा, पिछले 70 साल में पाकिस्तान का सपना था कि किसी भी तरह इस देश के टुकड़े करो, इस देश को बांटो। 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया। दोस्तों सबसे बुरी बात है रफाल की, रफाल बहुत छोटी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ कहूंगा आप गौर से सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं है। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। कि आप अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आप बगावत क्यों करते हैं? क्या आप बागी हैं? तो मैं कहना चाहता हूं फिर से कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। वो ये कहेंगे कि हम सब यहां इकट्ठे हुए एक आदमी को हटाने के लिए, जो आज देश का प्रधानमंत्री है उसको हटाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है एक सोच का। आपसे कहना चाहता हूं ये जो मशीन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये चोर मशीन है। ईमानदारी से ये चोर मशीन है और मैं इन सब लीडरों से गुजारिश करूंगा इस मशीन को खत्म करना चाहिए। दुनिया में कहीं ये मशीन नहीं है और इस मशीन के से चोरी की जाती है। और हमने एक ही प्रण कि एक बीजेपी के कैंडिडेट के अगेंस्ट सिर्फ एक ऑपोजिशन का कैंडिडेट खड़ा होगा, मगर इस सब को करने के लिए इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ हैं, उन्होंने एक बात मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आपके दिल में उतारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए वी हैव टू अप्रोच इट विद अ सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, नॉट विद अ सेंस ऑफ कैलकुलेशन। हम त्याग की भावना से इस उद्देश्य सबाई के एक जगह आस्ते होवे, एवरीबॉडी इज टू कम टुगेदर। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन